नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आपका स्वागत है फेसबुक लाइव में। बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है, पहले फेज का जो है मतदान हो चुका है, लेकिन चर्चा जो है वो सबसे ज़्यादा 28 अक्टूबर से दो दिन पहले एक घटना मुंगेर में हुई, यानी 26 तारीख को, और घटना मूर्ति विसर्जन से जुड़ी हुई थी। और इस पूरे मामले को लेकर के अब पूरे बिहार समेत, बिहार में अगर आम लोगों की बात करें उसको छोड़ दें तो राजनीतिक बात भी कर लें, तो वहाँ पर भी यही मुद्दा छाया हुआ है कि मुंगेर में जो हुआ वो सही नहीं था। और इस पूरे मामले में जो है चुनाव आयोग भी अब कूद गया है, चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। आइए, हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार परवीन सर हैं और साथ में हमारे सहयोगी राजमोहन हैं जो लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तो एक बार उनसे जानते हैं सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, जो भी ये पूरा मामला था इसको आप किस तरीके से देखते हैं और जो वो घटना हुई वहाँ पे उसके बारे में बताइए। अभी चुनाव आयोग इस मामले में आ गया। हाँ, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मगर इसे टाला जा सकता था। यह प्रशासन की अदूरदर्शिता है जिसके चलते ये दुखद वाकया हुआ। पहले से तय था कि 26 तारीख को विजयादशमी है, 26 अक्टूबर को, और उसके बावजूद गृह सचिव जो हैं बिहार सरकार के गृह सचिव, उन्होंने सभी जिलों को चिट्ठी भेजी कि किसी भी कीमत में 25 अक्टूबर को विसर्जन करा देना है सभी प्रतिमाओं का। तो मुंगेर में भी जब पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ जिला प्रशासन ने बैठक की तो पूजा समिति के पदाधिकारी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 26 को दशमी है तो हम नवमी को कैसे विसर्जन कर दें, अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ तो हम ये पाप नहीं करेंगे। खैर, फिर जिला प्रशासन थोड़ा नरम पड़ा, उसने कहा कि ठीक है तो 26 को आप लोग दिन में समाप्त कर लीजिए विसर्जन का कार्यक्रम। उस पर सहमति बन गई और 26 को जुलूस निकलने लगा तो थोड़ा विलम्ब हुआ। और वहाँ मुंगेर में ये परंपरा है कि जो बड़ी दुर्गा माता जिनको कहा जाता है, बड़ी देवी, वो उनका विसर्जन यात्रा वो कंधे पर लेके लोग जाते हैं, गाड़ियों पर उनकी प्रतिमा नहीं जाती है, श्रद्धालु और भक्त जो हैं वो कंधे पर लेकर के नदी में विसर्जन के लिए जाते हैं। तो वो धीरे धीरे चल रहे थे लोग, उस पर पुलिस ने लाठी प्रहार कर दिया, ऐसा बता रहे हैं लोग वहाँ के, कि पुलिस ने जो लोग कंधे पर लिए हुए थे और जो साथ में थे उसमें से लाठी प्रहार कर दिया, इसी पे बात बिगड़ गई। सर राजमोहन, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुलिस ने ये जो है लाठी चार्ज कर दी, लेकिन पुलिस जो कह रही है कि पहले जो भीड़ थी उसके तरफ से, पुलिस भीड़ का नाम ले रही है जबकि श्रद्धालु थे वहाँ पर, वो जो है जैसा कि सर ने बताया कि बड़ी दुर्गा की मूर्ति को जो है कंधे पर लेकर के वो निकल रहे थे, और एक वीडियो आया जिसमें दुर्गा माँ की मूर्ति है और वहाँ पर पुलिस जो है लाठी चार्ज कर रही है, तो क्या था वहाँ पे मामला, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज था या फिर देखिए जो वायरल वीडियो हुआ जो सबके सामने आया उसमें तो हम यही देख रहे थे कि मूर्ति रखी हुई है, जो मूर्ति विसर्जन में जा रहे थे वो मूर्ति के पास बैठे हुए हैं, वो कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग उसके बावजूद भी लाठी चार्ज के बावजूद वहां बैठे, और पुलिस बैठे हुए लोगों पर भी लाठी चार्ज कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो भाग रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, हालांकि हम वहां मौजूद नहीं थे तो पूरा घटनाक्रम हम नहीं जानते, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें तो कहा जा सकता है कि पुलिस ने जो काम किया वो निंदनीय है, जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया। और ये कहना है कि उधर से पहले फायरिंग हुई, अब ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि पुलिस के ऊपर जब भी सवाल उठते हैं पुलिस भीड़ को आगे कर देती है, खुद को पीछे ले लेती है। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब परंपरा की बात आती है, नियमों की बात आती है, एक तरफ सरकारी नियम होते हैं, दूसरी तरफ लोगों की अपनी मान्यताएं परंपराएं होती हैं, जब इन मामले ये दोनों ही टकराते हैं तो फिर उसमें सहमति आम तौर पे नहीं बन पाती है और जिसके कारण ऐसे मामले सामने आते हैं, तो इसको किस तरीके से, नहीं इसमें तो सहमति बन गई थी कि 26 को भी तो पुलिस की लापरवाही कहेंगे, पुलिस की लापरवाही है, चुनाव आयोग की लापरवाही है, प्रशासन की अदूरदर्शिता है और पुलिस का काला चेहरा है। अगर पुलिस थोड़ा संयम से काम लेती तो ये घटना नहीं होती, मगर पुलिस ने ना जाने किस बात की हड़बड़ी थी, किस बात की जल्दीबाजी थी कि बेवजह लाठी चार्ज कर दिया। और जो ठीक कहा राजमोहन ने कि लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और उनको पुलिस पीट रही है, मान लीजिए भगदड़ मची या पथराव हुआ, कुछ भी हुआ, तो जो उपद्रवी हैं उनको खदेड़ने का काम है या भीड़ को तितर बितर करने का काम पुलिस का है, मगर जो प्रतिमा के साथ बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, उनके ऊपर इस बेरहमी के साथ लाठी चार्ज किया गया, उसका कोई तुक नहीं बनता। तो ये साफ है कि पुलिस वहाँ पगला गई थी और उसने अपने पागलपन में ऐसी हरकत कर दी, और गोली भी पुलिस की ओर से चली। वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनका बयान आया कि हमारे लोग भी घायल हुए हैं,
पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं, मगर घायल हुए हैं तो वो कहाँ हैं? एक का भी चेहरा नहीं सामने आया, ना कहीं हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है उसकी जानकारी सामने आई। तो साफ है कि प्रशासन झूठ बोल रहा है और ये मामला उसकी लापरवाही। जिस तरीके से लिपि सिंह और वहाँ के जो डीएम है मीना साहब, वो सामने आते हैं इस घटना के तुरंत बाद और एक सफाई देते हैं कि भीड़ की तरफ से किया गया, अब तो चुनाव आयोग ने दोनों पे ही कार्रवाई कर दी, दोनों को ही जो है फिलहाल हटा दिया है तत्काल प्रभाव से। तो इसमें लिपि सिंह जैसा एक चेहरा जो कि लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है, उसके चेहरे का आना, उसके ऊपर आरोप लगना, इसको किस तरीके से देखेंगे पुलिस महकमे के ऊपर? ये कहीं ना कहीं एक कालिक वाली बात है, और खासतौर पे लिपि सिंह की बात अगर करें तो। नहीं देखिए, लिपि सिंह बहुत काबिल अफसर हैं और जहां भी वो रही हैं बहुत कर्मठता से, बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया है। बाढ़ में थी तो सब लोगों ने देखा कि किस तरह से उन्होंने वहाँ अपराधियों का दमन किया। अभी मुंगेर में थी तो वहाँ भी नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन उन्होंने चलाया। तो ये फंस गई विवाद में अब, चूंकि उनके पिता एक बड़े राजनेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं आरसीपी सिन्हा, तो उनकी वजह से भी ये कई बार विवादों में फंस जाती हैं। मगर उनकी कर्तव्य निष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता। हाँ, मुंगेर की घटना में जरूर उनसे चूक हुई, पुलिस कप्तान के रूप में इसकी जिम्मेवारी उनके माथे है। लिपि सिंह को लेकर के लोग खासा नाराज रख रहे हैं, आज सुबह जिस तरीके से आगजनी हुई थाने के पास, और लोगों ने लाइव में कुछ कुछ बातें कही हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि मेरे माइक में समस्या हो थोड़ी, तो हम उसे सही कर दे रहे हैं, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, लिपि सिंह के साथ आप जोड़ेंगे अगर पिछले लोकसभा का चुनाव देखे तो उस समय वो बाढ़ की SDO थी, और उस दौरान भी उन्हें उनके जो वहाँ वो काम पर से उन्हें चुनाव आयोग ने हटाया था, उस दौरान भी उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो जदयू के तरफ से काम कर रही हैं, ना कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं। तो विवादों से नाता तो इनका है, और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुई थी अनंत सिंह को लेकर ही, उसके कुछ दिन पहले ही उन्होंने अनंत सिंह के घर पर छापेमारी करके जो हथियार थे वो बरामद हुए थे, इनके ही कहा जा सकता है कप्तानी में वो काम हुआ था। और सबसे बड़ा नाम इनके साथ जो जुड़ जाता है ना, वो RCP सिंह का है, और इस वजह से ये ज्यादा विवादों के घेरे में आती हैं, क्योंकि जदयू के राज्यसभा सांसद हैं वो। और खास बार आप देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि जब अनंत सिंह गए थे दिल्ली में, जब सरेंडर उन्होंने किया था, तो उनको लाने के लिए लिपि सिंह ही गई थी। सर, इस पर अच्छे से रोशनी डालेंगे मुझे लगता है। सर, मतलब लिपि सिंह एक बड़ा चेहरा माना जाता है, जिनका एक नाम है, रुतबा है, और जब वैसे अधिकारियों पर इस तरीके के हिंसा को लेकर के जब आरोप लगते हैं, तो वो लोग भी मतलब सामने आके तो यही कहते हैं कि इसमें पुलिस का ये नहीं है, लेकिन फिर जनता के ऊपर खासतौर पे और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो कैसा प्रभाव, दुर्गामी प्रभाव उसका क्या होता है? दुर्गामी प्रभाव ये होता है कि छवि विवादास्पद तो बन ही जाती है। आप बहुत अच्छे अधिकारी हैं मगर लगातार विवादों में फंसते रहते हैं, तो वो आगे आपके करियर के लिए भी घातक है और एक आपकी इमेज बिगड़ जाती है पब्लिक के लिए। लिपि सिंह को लेकर जैसा कि RCP सिंह का नाम लिया इन्होंने, और खासतौर पे हमेशा ये राजनीतिक लोग भी जो है सवाल उठाते हैं कि जहाँ भी ट्रांसफर हुआ वहीं हुआ जहाँ उनके पिता रहे, पिता के आसपास ही वो, मतलब जब से ये कहा जाता है उनके पिता जो है हमेशा उनको अपने आसपास ही रखते हैं। 2016 बैच की IPS ऑफिसर हैं, और इनका पहला पोस्टिंग भी शायद बाढ़ में ही हुआ था, पटना में था, उसके बाद बाढ़ में SDO बनी, उसके बाद सीधे SP बन गई मुंगेर की, और उसके बाद से ये घटना। हालांकि उनकी एक और छवि है जिनमें कहा जाता है कि अच्छा काम किया है। मुंगेर को लेकर के अगर बात करें, मुंगेर में जब से इनका ट्रांसफर हुआ है क्या कुछ रहा है वहाँ पे हाल? नहीं, मुंगेर में इन्होंने अच्छा काम किया है, हालांकि ये जरूर है कि आरोप लगते रहे कि कॉकस में फंस गई हैं और मनमानी करती हैं, लोगों की सुनती नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, वो काम करती हैं और ईमानदारी से काम करती हैं। ये अलग बात है कि कई बार अनावश्यक लोग विवादों में फंस जाते हैं, उसी की शिकार हुई हैं लिपि सिंह। और वहाँ के जो DM हैं राजेश मीणा, वो भी बहुत काबिल अफसर हैं, और वो मतलब अपने चैम्बर में बैठे रहने वाले अफसर नहीं हैं, वो जाते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, और वहाँ खुद कोई समस्या हुई तो उसको दूर करते हैं, और वो NIT के प्रोडक्ट हैं। तो ये दोनों अफसरों की अच्छी जोड़ी थी, वहाँ ट्यूनिंग भी अच्छा था दोनों के बीच, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि थोड़ी सी
अविवेकता के कारण विवाद हो गया और ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो इतने बड़े ऑफिसर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से किस तरीके से निकाल के लाएं, और इनसे उम्मीद भी यही की जाती है। लेकिन जो घटना मुंगेर में हुई है सर, उसको इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से नहीं किया। चूक हुई, प्रशासन की चूक हुई, तभी इतनी बड़ी घटना। प्रशासन की चूक कहेंगे कि मूल रूप से जो ये बड़े अधिकारी हैं उनकी चूक कहेंगे, क्योंकि लिपि सिंह का नाम तो पब्लिक ले रही है। नहीं, किसी भी छोटी से बड़ी घटना कोई भी हो, जो वहाँ का मुखिया है, जिम्मेवारी तो अंततः उसी की होती है। तो पुलिस कप्तान के नाते जिम्मेवारी उनकी है, जिला अधिकारी के नाते जिलाधिकारी की भी जिम्मेवारी बनती है। और खबर में ऐसे मौकों पर तो दोनों को वहाँ मौजूद रहना चाहिए और खुद कंट्रोल करना चाहिए भीड़ का, जब सेंसिटिव मामला हो तो। मगर बताया ये जा रहा है कि उस समय दोनों में से कोई मौजूद नहीं थे। मेरा सर आपसे एक सवाल एक और ये है कि चुनाव के समय हमेशा उनके साथ इस तरह का घटना होना, हमेशा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग उन पर एक्शन लेता है, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, चुनाव आयोग तो कई बार विपक्षी दलों की शिकायत पे भी कार्रवाई करता है। जैसे वहाँ अनंत सिंह ने कंप्लेन किया था पिछले चुनाव में, विधान लोकसभा चुनाव में, तो उस बिना पर यह हुआ कि चूंकि इनके पिता सांसद हैं और विरोधी उस अनंत सिंह के हैं, तो इस आधार पर ट्रांसफ़र किया गया था। कोई अनियमितता पकड़ी गई और उस वजह से ट्रांसफर हुआ, ऐसा नहीं है। बाढ़ में भी चुनाव को लेकर के विवादों में थे कि पक्षपात होगा, ये होगा, वो होगा, मगर अभी तक ऐसा कोई प्रमाण मिला नहीं है कि कोई अनियमितता इन्होंने अपने स्तर से की हो। तो सर इनको जो तमगा दिया गया है लेडीज सिंघम का, ये कितना जायज? इसलिए कि वो फील्ड में जाती हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया उनका रहता है। सर एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा, जब सिंघम जैसी छवि जुड़ जाती है तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपराधी में और आम लोगों में फर्क करे। लेकिन जो मुंगेर की घटना हुई उसके बाद से पब्लिक जिस तरीके से कह रही है कि पूरा का पूरा जो है इसमें दोषी जो है वो लिपि सिंह है, जिस लिपि सिंह की कल तक बड़ाई होती थी आज वो एक तरीके से विलन बन गई, सिंघम से वो विलन हो गई है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कहीं चूक होगी, क्योंकि छवि का एक रोब हो जाता है फिर उसके ऊपर उसको। हाँ, चूक तो हो ही गई और इसीलिए विलन बनी है, एक आदमी मारा भी गया वहाँ, तो लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है, जायज भी है। जिस घर का वो लड़का गया जिसकी मौत हुई, तो और बेवजह हुई, कोई उसकी वजह नहीं है, तो इसलिए लोगों का गुस्सा जायज है और नाराजगी है, और कुछ सख्त रवैये के कारण भी पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन इनका शायद कम रहा होगा, इस वजह से भी ये मामला इतना बड़ा बन गया। तो पब्लिक के साथ जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन कम रहा लिपि सिंह का, जिसके वजह से कल तक जो है पब्लिक के बीच लोकप्रिय रहने वाली लिपि सिंह इस पूरे मामले में अब एक विलेन के तौर पर सामने आ रही है। चलते चलते चुनाव आयोग के बारे में मैं एक सवाल पूछ लेना चाहूँगा कि चुनाव के समय में ऐसी घटना होती है, चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है, दो दिन बाद फिर लोग जब हल्ला मचाते हैं, फर्स्ट फेज का इलेक्शन होता है, लोग इधर हल्ला मचाते हैं, तब जा करके अब चुनाव आयोग कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करती है तो इनको बस हटा देती है, क्या इससे लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा या इसे कुछ और तरीके से सही तरीके? नहीं, ये तो स्वतः कार्रवाई होनी चाहिए थी और यहीं से कार्रवाई किया जाना चाहिए था, बिहार सरकार के स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए थी। 28 तारीख को ही अगर, माफी चाहूंगा, 26 तारीख को ही अगर इसको लेकर के बड़ा काम हुआ होता तो सर ये भी माना जाए कि जो मुंगेर में पहला फेज का चुनाव हुआ उसमें परसेंटेज सबसे कम मुंगेर का रहा, तो इसका कारण इसको माना जाए? हाँ बिल्कुल, उसका असर रहा भय और आतंक का माहौल था, और ये बिहार सरकार की विफलता है कि उसने खुद कार्रवाई नहीं की, चुनाव आयोग को आगे आना पड़ा। अगर बिहार के DGP, बिहार के चीफ सेक्रेटरी खुद सक्रिय हो जाते और कार्रवाई कर देते तो चुनाव आयोग को ये कदम नहीं उठाना पड़ता, और ये लोग देखते रहे, तमाशा देखते रहे, जब हिंसा भड़क गई, जब लोग सड़कों पर उतर आए, थाने जला दिए गए, तब चुनाव आयोग जगा और बिहार सरकार फिर भी खामोश रही। तो ये तो बतलाता है कि कैसे इस देश में प्रशासन चल रहा है। हमने देखा कि कल जो फर्स्ट फेज का चुनाव होना था उससे ठीक पहले महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल थे, और उन्होंने सीधे सीधे इस मुद्दे पर जो मुद्दा उठा था उस पर इसको निंदनीय करार दिया और शायद इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, तो क्या आगे इस चुनाव में महागठबंधन इस मुद्दे को भुना पाएगा? क्योंकि सर राजनीति तो सब कोई कर रहा है, अब जैसे कि आज ही कांग्रेस के सचिन पायलट आए थे, उन्होंने भी इस मामले को लेकर के नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। फिर अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है, आज भी उनका ट्वीट आया, और तेजस्वी तो बोल ही रहे हैं, तो इस ये मुद्दा पूरा राजनीतिक हो रहा है। और BJP कहीं ना कहीं जो कि आमतौर पर ऐसे मामलों पर बोलती है, वो बिहार में चुप क्यों? बिहार में देखिए वो सरकार में है तो उसकी चुप्पी तो स्वाभाविक है, चुप रहेगी ही वो, या बचाव में बोलेगी भी तो बचाव में बोलेगी,
और विपक्ष का काम है कि खामियों को मुद्दा बनाना, अपने लाभ में उसको उपयोग करना, वो विपक्ष कर रहा है। दोनों अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इसका फायदा मिलेगा इनको, विपक्ष को? अगर विपक्ष को अब चूंकि कार्रवाई कर दी गई है, कार्रवाई नहीं हुई होती तो जरूर फायदा मिलता, मगर कार्रवाई हो गई है, दोनों को हटा दिया गया है, DMSP दोनों को, तो इसलिए हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, लिपि सिंह को वहाँ से हटा दिया गया होता, क्योंकि उनके पिता सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारी हैं, तो इस नाते ये आरोप तो स्वाभाविक है, कोई ना कोई लगा ही देगा कि पक्षपात हुआ। तो ऐसे आरोप से बचने के लिए भले वो आरोप झूठे हों, मगर निष्पक्षता सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। तो उस लिहाज से इनको चुनाव तक वहां से हटा दिया जाना चाहिए था, यहां सचिवालय में ला कर रखते। तो सर मुंगेर जिला में 3 सीटें आती हैं सर, मेरी जानकारी के अनुसार, तो क्या इन 3 सीटों पर इसका कुछ प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है? प्रभाव तो यही दिखा कि वोटिंग कम हुई। वोटिंग कम जो हुआ वो किसके लिए नुकसान है? वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जाएगा, खिलाफ जाएगा। तो यही पूरा विश्लेषण रहा इस पूरे मामले को लेकर के, मुंगेर में जिस तरीके से लोग अभी फिलहाल गुस्से में है, गुस्सा शांत होता है या नहीं होता है, ये तो कार्रवाई हो गई है, अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा, लेकिन राजनीतिक प्रभाव भी कहीं ना कहीं अब इसका पड़ा है। कल जो चुनाव हुए, वोटिंग हुई, उसमें मुंगेर का वोटिंग प्रतिशत जो है 34-35 के आसपास, 49, माफी चाहूँगा, 49 के करीब जो है ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस मामले के कारण जो है लोगों में एक डर भय भी दिखा, और ये चुनाव आयोग की खास तौर पे बड़ी विफलता है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे और भी बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, तो नमस्कार।